गुड मॉर्निंग गाइस, ये देखो मैं अपने फूलों के साथ में अपनी मॉर्निंग कर रही हूँ और अपने दिन की शुरुआत भी मेरी यहीं से हो रही है। तो बस सबसे पहले यहाँ पे मैं जब भी उठती हूँ ना तो मैं फूलों में पानी दे देती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। और ये खिले खिले से भी रहते हैं, इसमें कुछ कलियाँ भी थी तो वो भी अभी खिल चुकी है पानी दे दे के। बहुत अच्छा लगता है मुझे इनमें पानी देना। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ एकदम ठीक ठाक होंगे गाइस। तो बस अभी मैं जो है अपने इन फूलों में पानी दे रही थी, क्योंकि और तो कहीं फूल लगे नहीं है तो इन्हीं को मैं पानी दे रही थी। और ये जो फ्लावर्स हैं ना, ये काफ़ी टाइम तक चल जाते हैं, लगभग 3 से 4 दिन। ये तो बोल रहे थे 10 दिन, लेकिन ये 2-3 दिन के अंदर ही मुरझा गए। तो ऐसे ही हो जाता है, उनके पास भी काफ़ी टाइम के रखे होंगे ना इसीलिए। तो खैर कोई नहीं, बस इसमें पानी दे दिया है तो जितने चलेंगे उतने चल जाएंगे। और बस बहुत ही प्यारा गिफ्ट लगा मुझे इनका, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, बहुत खुशी भी हुई। तो बस अभी नीचे के सारे काम फिनिश करके मैं भी आ रही हूँ, और अभी बज रहे हैं 11:18। तो 11:18 हो रहे हैं सुबह के, और अभी हमारी हो रहे हैं सो रही हैं, उठी नहीं है। मैंने खाना भी बना लिया है, नीचे की सारी साफ़ सफाई कर दी है और बर्तन वगैरह भी साफ़ कर दिया, हमारा नाश्ता भी हो गया है। तो इतना काम मेरा हो चुका है। कल कपड़े मैंने वॉश किए हुए थे तो ये मुझे फोल्ड करके रखने हैं, अपना वाला रूम ठीक करना है थोड़ा। और मेरे कुछ पार्सल भी आए हैं आज, तो इनको भी मैं ओपन करूँगी। चलो इनको रखते हैं सेट, पहले फटाफट से कपड़े फोल्ड करते हैं, बेडशीट वगैरह ठीक करते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलूंगी। तो बस यहाँ पे अभी सबसे पहले अपने कपड़े फोल्ड करके रख देते हैं, बेडशीट ठीक करेंगे, ब्लैंकेट फोल्ड करके रखेंगे। और अभी मैं सोच रही हूँ कि मुझे खाने में क्या बनाना है, क्योंकि खाने की सबसे ज़्यादा दिक्कत रहती है। जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, उससे पहले मुझे कोई भी टेंशन नहीं रहती कि खाने में क्या बनाना है, क्या खाना है, तो इतना वो नहीं रहता था। लेकिन अभी शादी के बाद जो है ना, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर आ जाती हैं, और आप सबसे पहले जो है ना, सुबह शाम की दिक्कत यही रहती है कि खाने में क्या बनाना है, कि कौन क्या खाएगा। अगर कोई बता देता है तो ठीक लगता है कि हाँ भाई ये चीज़ बना ली, लेकिन जब कोई बताता नहीं है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। और ये मेरी ही घर की बात नहीं है, ये बाकी सारे घरों में मैंने यही देखा है। अभी मैं मम्मी के घर भी गई थी ना, तो मम्मी भी बस सुबह शाम यही सोचती रहती, भाभी हमेशा ये पूछती थी कि मम्मी क्या बनाना है, क्या बनाना है। तो ये सभी के घर की दिक्कतें हैं, जो कि हमेशा हाउसवाइफ जो है ना टेंशन में रहती है कि खाने में क्या बनाना है। जब कोई बता देता है तो सही लगता है बस। तो जी हाँ, बटर चिकन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चिकन को मैरिनेट करके रख दिया था आधे घंटे के लिए फ्रिज में। और मैंने इसको दही, कश्मीरी लाल मिर्च, नमक के साथ में मैरिनेट किया है। और बस यहाँ पे मैंने कुछ मसाले लिए हैं, ये प्याज को रफली चॉप किया है, अदरक, लहसुन, टमाटर और काजू, और ये चिकन जो है आधा किलो है। और बस यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी कश्मीरी लाल मिर्च, कसूरी मेथी, टमाटो केचप, फ्रेश क्रीम, तो वो सारी चीज़ें मैं बताती जाऊँगी, ठीक है। बस यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख ली है, अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर ऑयल। तो यहाँ पे डाला मैंने इसके अंदर बटर, ये डालूंगी इलायची एक, उसके बाद मैं यहाँ पे डालूंगी ये प्याज, तो प्याज हमारी थोड़ी सी ब्राउन हो चुकी है, इसमें डाल देंगे टमाटर और काजू। टमाटर हमारे अच्छे से गल रहे हैं, अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च, लाल मिर्च और नमक। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये अदरक और लहसुन का पेस्ट, और अब मैंने डाला है इसके अंदर पानी। पानी डाल करके हम इसको थोड़ी सी देर के लिए पका लेंगे अच्छे से।
बस यहाँ पे जो चिकन मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था उसको मैंने अच्छे से गला लिया 70% तक, और यहाँ पे जो भी उसका पानी था वो अच्छे से सुखा लिया है। तो इस तरह से हमें चिकन को करना है, इसमें हल्के हल्के से स्पॉट्स भी आ जाने चाहिए। तो बस यहाँ पे हमारा चिकन रेडी है। अभी मैंने यहाँ पे जो प्यूरी बना कर रखी हुई थी तो उसका पेस्ट बना लिया है, और बस यहाँ पे अभी मैं बटर मैं डाल दूँगी, और यहाँ पे मैं कसूरी मेथी इसमें ऐड कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं डालूँगी ये मिक्स गरम मसाला है जो कि होममेड नहीं है, ये मैंने मार्केट से ही मंगाया हुआ है। तो होममेड मैंने बनाया नहीं क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगी, कुछ थोड़ा सा मसाला जो है ना रखा हुआ था। तो बस अभी यहाँ पे मसाला अच्छे से बन गया था, उसके बाद चिकन ऐड कर दिया है उसमें। अभी मैं टमाटो केचप डालूंगी 1 चम्मच, और मैंने दूध के ऊपर से मलाई निकाल करके रखी हुई थी तो वो इसमें ऐड करूंगी। तो आपके पास भी अगर ऐसी है घर में रखी हुई तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इससे बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है, क्रीमी टेस्ट आता है। तो बस यहाँ पे अभी हमारा ये देखो बटर चिकन रेडी है, इसमें ग्रेवी के लिए पानी भी ऐड कर दूंगी। पहले हम फिलहाल इसमें बटर ऐड कर रहे हैं, तो जितनी आपको ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से इसमें पानी ऐड कीजिए, और बस इस तरह से हमारा बटर चिकन बन के रेडी हो जाता है। तो जी यहाँ पे देख लीजिए हुरू और हम लोग यहाँ पे खा रहे थे पास्ता, तो मैंने बनाया हुआ था। तो बस यहाँ पे देख लीजिए हुरुन को ऐसा लग रहा है, हुरुन को ऐसा लग रहा है कि मैं पास्ता कब खाना सीखूँगी, क्योंकि बच्चों को ऐसे ही लगता है, नई नई चीज़ें खाने के लिए बोलते हैं वो, लेकिन जो उनकी चीज़ें होती हैं जैसे दूध वगैरह है या कुछ भी उनके खाने पीने की चीज़ें वो नहीं खाते हैं, लेकिन उनको रोटी खाना है, उनको पास्ता खाना है, उनको मैगी खाना है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम खाते हैं वो चीज़ बच्चों को खाना खाने का लगता है। हाय गाइस, तो बस अभी रात हो रही है, रात के बज रहे हैं 9 और हम अभी सो के उठे हैं। आप लोग शॉक्ड हो गए ना? जी हाँ, हम सो के ही उठे हैं क्योंकि हम आज बहुत ज़्यादा थक गए, आज हम लोग बिल्कुल भी नहीं लेटे थे, और हुरैन तो बहुत ही ज़्यादा परेशान करी थी आज। तो मैंने क्या किया कि शाम के टाइम में हम थोड़ा सा लेट गए, और लेटे लेटे हम सो गए, हमें पता ही नहीं चला, है ना। और जब तक मैं सोती हूँ ना इसके पास, तब तक ये आराम से सोती है 1.5 घंटा 2 घंटा, और अगर अकेली सोती है तो फिर ये 10 मिनट में 15 मिनट में उठ जाती है। तो इसीलिए आज मैं भी थक गई थी, तो मैं भी आज इसके साथ में ही सो गई, और मुझे पता भी नहीं चला कि इतना ज़्यादा टाइम हो गया। और जब देखा तो पूरे घर में कोई नहीं था, तो मैं एकदम शॉक्ड हो गई। फिर मैंने इनको फ़ोन लगाया तो ये बोलने लगे कि हम लोग को मार्केट निकलना है। अब भैया मैं सो रही थी तो मुझे भी उठा सकते थे, लेकिन नहीं, चले गए मार्केट। और अभी देखते हैं खाने में क्या बनाना है, नीचे चल के देखते हैं। और हुरू भी जैसे अभी उठी हैं, और मैं तो फिर भी मुझे आधा घंटा हो गया उठे हुए, लेकिन हुरैन को मैंने जैसे अभी उठाया क्योंकि मुझे वीडियो में भी वॉइस ओवर करना था, अभी तक हमारा वीडियो नहीं गया है लाइव, तो आप लोग देख लेना, थोड़ी देर में आप लोगों को वीडियो भी मिल जाएगा, ठीक है। और इतने ज़्यादा परेशान हो रहे थे लाइट की वजह से, लाइट नहीं आ रही थी और बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। फिर उसके बाद में जो है ऐसे ही हमारा टाइम निकल गया आज, और हम बहुत थक भी गए, हमने आज बहुत सारा काम भी किया। अभी हम गुरु को लेंगे और हम जाएंगे नीचे, तो हम नीचे जा रहे हैं, नीचे देख के आते। बेटा तुम्हें नहीं चाहिए, तुमको नहीं देंगे हम। और गुरु को कुछ खिला पिला देते हैं अब, क्योंकि ये मैडम तो ऐसी ही हैं, ऐसी ही हैं। क्या खाओगे बेटा? क्यों गुरु, क्या खाओगी? तो बाहर जो है ना हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, तो मैं हुरैन के कपड़े अंदर ही ले आई हूँ, तो ये अंदर सूख जाएंगे, क्योंकि आज मैंने दोपहर में डाले थे, बिल्कुल भी कपड़े सूखे नहीं है इसके, सारे कपड़े अभी तक गीले रखे हैं क्योंकि धूप बिल्कुल भी नहीं निकली थी आज। तो बस ऐसा ही हो रहा है, यहाँ मैंने उसको वॉकर में बिठा दिया है।
ये हुरु का रिएक्शन है उसकी डॉल को देख करके, वो बहुत ज्यादा पसंद करती है इस वाले डॉल को। पहले वो अपने वो वाले मिक्की को बहुत ज्यादा पसंद करती थी। तो जी ये देख लीजिए हमारे घर पे कौन आया है। तो हम लोग आज बहुत ज़्यादा खुश हैं और हम लोग इनका इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे ना, मैं बोल रही थी कि आ जाओ अब आ जाओ अब आ जाओ। तो अब आप लोगों को गैस करके बताना है कि कौन आया है, मेरी ननद है या फिर मेरे मायके से कोई आया है, तो कौन आया वो आप लोग कमेंट करके बताना। तो भी मेरे व्यूवर्स हैं जो सही बताएंगे, सही आंसर देंगे, तो मैं उनका नाम अपनी वीडियो के अंदर लूँगी। तो आप लोग सही सही गैस कीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। ब्लॉग एंड यही कर रही हूँ।